हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। तो आज हम देखने जा रहे हैं शाकल्य और श्लाका धारक गुरु शुक्राचार्य का शिष्य शुक्राल के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्राल शुक्रहारा जाति का आखिरी वंशज है। शुक्रहारा जाति जो जिधर निकल जाए उसे बर्बाद कर देती थी। इनका सरदार शुक्रसाल कहते हैं कि उसके जैसा खतरनाक और बेरहम तो असुर भी नहीं होते। शुक्रसाल के अभेद ढाल शाकल्य और अचूक तलवार श्लाका के सामने बड़े से बड़ा योद्धा भी हथियार डाल देता था। दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा अपनी प्रेग्नेंट वाइफ कुशाला को बहुत ज्यादा प्यार करता था। कुशाला किसी भी दिन खुशखबरी देने वाली थी, लेकिन उसी वक्त 14 अलग अलग राज्यों के राजा इकट्ठा होते हैं जो शुक्रसाल को खत्म करना चाहते थे। वे कहते हैं कि उन्हें शुक्रसाल के इष्ट देव से बड़े देव को खुश करना होगा, क्योंकि शुक्रसाल को उनसे वरदान मिला हुआ है कि वो कभी युद्ध नहीं हारेगा। इधर शुक्रसाल अपने अगले टारगेट की तरफ निकलता है कि तभी ऐसा लगा मानो धूल का तूफान आ रहा है और शुक्रहारों पर वे 14 सम्राट अटैक कर देते हैं। ऐसा मुकाबला आज तक ना हुआ था। वे लोग शुक्रहारा के सभी लोगों, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ रहे थे। इसी बीच कुशाला को प्रेगनेंसी पेन होना स्टार्ट होता है। शुक्रसाल अकेला रह गया था, लेकिन वरदान से प्राप्त शाकल्य और श्लाका से उसने अकेले ही 14 सम्राटों की सेना का सफाया कर दिया। इतना सब कुछ देखकर शुक्रसाल का हृदय परिवर्तित हुआ बिल्कुल गौतम बुद्ध की तरह, और उसने कसम खाई कि आज के बाद वो सत्य और शांति के रास्ते पर चलेगा। शुक्रसाल जब अपनी वाइफ के पास पहुंचा तो वह स्वर्ग से धार गई थी, लेकिन उसका बेटा अभी भी जिंदा था। उसने अपने बेटे को अपने हाथों में लिया कि तभी 14 सम्राटों ने उसकी पीठ पर वार किया। वे सब उस पर वार करते रहे, क्योंकि वरदान तभी काम करता जब श्लाका और शाकल्य उसने ले रखे हों। शुक्रसाल अपनी जान नहीं बचा सकता था, तो उसने उन सभी को श्राप दिया। हर युग में तुम 14 के 14 मेरे पुत्र शुक्राल के हाथों मरोगे। शाकल्य और श्लाका हमेशा उसकी रक्षा करेंगे और हर युग हर समय काल में यह बनेगा शुक्राल। वे 14 शुक्राल को मारने आगे बढ़े, लेकिन तभी धूल का एक ऐसा तूफान आया जो शुक्राल को अपने साथ ले गया। यह वही समय था जब गुरु शुक्राचार्य को मजबूरन असुरों का गुरु बना दिया गया था। तो वे अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे कि उनको एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, और वो आवाज थी शुक्राल की। गुरु शुक्राल अपनी दिव्य शक्ति से सारे बात का पता लगा लेते हैं, और वह शुक्राल को अपना पूरा ज्ञान, अपनी सारी विद्याएं सिखाते हैं, जिससे शुक्राल देवताओं से भी उत्तम और असुरों से भी अधिक हिंसक बन गया। इन सब के बावजूद शुक्राल हमेशा सच्चाई और भलाई के लिए लड़ा। ये तो था शुक्राल का ओरिजिन। अब कुछ ऐसे फैक्ट जो शायद आपको पता होंगे या शायद नहीं होंगे। शुक्राल को हमने पहली बार देखा इश्यू नंबर 397 में, जो शुक्राल नाम से पब्लिश हुई। शुक्राल की अब तक केवल 11 कॉमिक्स ही प्रकाशित हुई जिनमें उसके अलग अलग जन्मों की कहानी को दिखाया गया। शुक्राल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना रखा है जिसे शायद ही कोई सुपरहीरो तोड़ना चाहेगा, और वो रिकॉर्ड है 3 बार आत्महत्या करना। दोस्तों, शुक्राल अब तक शुक्राल, शुक्राल और श्लाका, शुक्राल और खुदाबाप कॉमिक में आत्महत्या कर चुका है। शुक्राल अकेला ऐसा सुपर हीरो है जो अब तक सबसे ज्यादा बार मरा है, अब तक कुल मिलाकर 9 या 10 बार। अब बात करते हैं शुक्राल की पावर्स और एबिलिटीज की। शुक्राल के पास अपने पिता द्वारा दी गई तलवार और ढाल है, और उसके पिता को मिला वरदान भी है, जिसका मतलब यह है कि अपने पिता की तरह शुक्राल को भी सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता। एक बार शुक्राल ने अपने हाथों से ही डायनासोर को उठा लिया था। शुक्राल एक साथ 10 से भी ज्यादा हाथियों को कंट्रोल कर सकता है। शुक्राल अपने हाथ से ही तलवार के डायरेक्ट अटैक को रोक सकता है। शुक्राल एक साथ बहुत सारे तीरों को चला सकता है। उसका निशाना इतना पक्का है कि वो हवा में ही चलते सभी तीरों को बीच में ही अपने तीरों से काट डालता है। शुक्राल पूरी की पूरी फौज को अकेला ही खत्म कर सकता है, और उसने ऐसा कई बार किया भी है। तो ये थी शुक्राल के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर हमसे शुक्राल की कोई डिटेल मिस हो गई हो या ऐसा कोई फैक्ट जो हमने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अंत में सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को और बने हिस्सा मेरे यूनिवर्स का, क्योंकि जुनून जिंदा है।